आज का हमारा टॉपिक है विधायी, प्रशासकीय और वित्तीय विकेंद्रीकरण। विधायी विकेंद्रीकरण के ऊपर पहले चर्चा करेंगे। भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास 18वीं क्रांति के बाद क्राउन सत्ता काल आरंभ हुआ। ब्रिटिश संसद ने 1858 का भारतीय शासन अधिनियम पारित करके कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का शासन सीधे ब्रिटिश सरकार के हाथ में सौंप दिया। कंपनी से सत्ता सीधे क्राउन के हाथों में आने के लगभग तुरंत बाद कानून बनाने की प्रणाली में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। कानून बनाने के अधिकारों का विकेंद्रीकरण भी जरूरी था ताकि प्रेसिडेंसी सरकारें कानून बनाने का अधिकार रख सके। 1858 के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार ने भारत का शासन अपने हाथ में लेने के कुछ ही समय बाद 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम बनाया। यह अधिनियम भारतीय शासन को नियमित करने और सुधारने की दृष्टि से पारित किया गया था। इस अधिनियम द्वारा ऐसी रूपरेखा प्रस्तुत की गई जो भारत में ब्रिटिश राज्य के समाप्त होते हुए भी उसके शासकीय विधान का अभिन्न अंग बनी रही। विधायी क्षेत्र में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की गई जिनसे विधायी विकेंद्रीकरण को बल मिला। यह व्यवस्था की गई कि कानून बनाने के उद्देश्य से गवर्नर जनरल के परिषद में कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 सदस्य और शामिल किए जाएं। इससे पहले परिषद में गवर्नर जनरल, उसकी परिषद के सदस्य और 6 अन्य लेजिस्लेटिव काउंसलर्स होते थे। इसके अलावा इन सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष रखा गया। कानून निर्मात्री परिषद के अधिकार और कार्यों को निश्चित रूप से निर्धारित करने की भी व्यवस्था की गई। 1861 के अधिनियम में प्रांतीय कानून निर्मात्री परिषदों की पुनः स्थापना की गई। बंबई और मद्रास की सरकारों को कानून बनाने की वे समस्त शक्तियां वापस दे दी गई जो सन 1833 के अधिनियम द्वारा उनसे छीन ली गई थी। भारतीयों को विधान परिषद का सदस्य नियुक्त करके उन्हें पहली बार अपने देश के शासन प्रबंध में भाग लेने का अवसर 1861 के अधिनियम में प्रदान किया गया था। यद्यपि परिषद में भारतीयों का प्रवेश प्रजातांत्रिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर आधारित नहीं था और मनोनीत किए जाने वाले प्रतिनिधि भारतीय राजकुमार, उनके दीवान या बड़े जागीरदार थे, तथापि यह व्यवस्था महत्वपूर्ण थी क्योंकि इससे शासन में भारतीयों के प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को मान्यता मिली थी। दूसरे अधिनियम ने प्रांतों में विधान परिषद की स्थापना द्वारा भी एक महत्वपूर्ण कार्य किया। बंबई और मद्रास की सरकारों को फिर से विधायन का कार्य का अधिकार दिया गया और अन्य प्रांतों में भी वैसी ही विधान परिषदें बनाने की व्यवस्था की गई। विधान की उस नीति का आरंभ हुआ जिसके फलस्वरूप अंत में प्रांतों को 1937 में लगभग पूर्ण आंतरिक स्वायत्तता प्रदान की गई थी। लॉर्ड रिपन चुने हुए भारतीयों को विधान परिषद में लाना चाहते थे, लेकिन उस समय ऐसा करना कठिन था, इसलिए उन्होंने भारत को स्थानीय स्वशासन की सुविधा जो थी वो प्रदान की थी। 19वीं सदी के समाप्त होने तक विभिन्न विधान परिषदों में मनोनीत भारतीयों ने अपनी योग्यता सिद्ध कर दी थी। भारत की नवोदित पीढ़ी विधान क्षेत्रों में और अधिक वास्तविक अधिकारों की मांग कर रही थी। सन 1861 का अधिनियम भारतीय राज्य प्रणाली में कोई संतोषजनक सुधार नहीं ला सका था। बाद में अन्य अधिनियमों द्वारा जो व्यवस्था की गई उनसे भी भारत की जनता को कोई संतोष नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ जिसे भारतीयों ने कुछ समय तक लॉर्ड क्रॉस के अधिनियम की भी संज्ञा दी थी। इस अधिनियम में कुछ व्यवस्थाएं इस प्रकार की गई थी। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या पहले से बढ़ा दी गई थी। केंद्रीय परिषद में कम से कम 10
और अधिक से अधिक 16 अतिरिक्त सदस्य सम्मिलित करने की व्यवस्था की गई थी। बंबई और मद्रास की परिषदों के लिए कम से कम 8 और अधिक से अधिक 20 अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार गवर्नर को दिया गया था। बंगाल और उत्तर पश्चिमी प्रांत की परिषदों में क्रमशः अधिक से अधिक 20 और 15 अतिरिक्त सदस्य सम्मिलित किए जा सकते थे। अतिरिक्त सदस्यों का कार्यकाल पहले की तरह 2 वर्ष रखा गया था। इनमें से आधे सदस्यों का गैर सरकारी होना आवश्यक था। गवर्नर जनरल को यह भी अधिकार मिला कि वह परोक्ष निर्वाचन प्रणाली का सूत्रपात करे। अधिनियम द्वारा कुछ नियमों के भीतर रहते हुए विधान परिषद के सदस्यों को कार्यकारिणी परिषद से प्रश्न पूछने और बजट पर बहस करने का अधिकार जो था वो दिया गया था। ये अधिकार गवर्नर जनरल की विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषद दोनों को दिए गए थे। प्रांतीय विधान परिषदों को नए कानूनों को आवश्यकता अनुसार रद्द करने का भी अधिकार दिया गया था, लेकिन इसके लिए गवर्नर जनरल की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक था। 1892 के अधिनियम द्वारा लाए गए परिवर्तन व्यापक और प्रभावशाली नहीं थे। केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या की वृद्धि भी निराशाजनक थी। 30 वर्षों के बाद अतिरिक्त सदस्यों में केवल 4 सदस्यों की वृद्धि किया जाना किसी भी दृष्टि से सुधार नहीं था। प्रांतीय परिषदों की सदस्य संख्या भी प्रांतीय जनसंख्या की दृष्टि में बहुत ही कम थी। स्थानीय जनता का ठीक रूप से प्रतिनिधित्व करने के लिए विधान प्रांतीय परिषद में केवल 7 निर्वाचित सदस्य हुआ करते थे। विधान परिषदों को सरकार की आर्थिक नीति पर सामान्य ढंग से बहस करने का अधिकार तो दिया गया था, लेकिन बजट पर मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया था। इसी तरह सदस्यों को प्रश्न पूछने का तो अधिकार दिया गया, किंतु वे पूरक प्रश्न के अधिकार से वंचित रखा गया। कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने के अधिकार भी काफी प्रतिबंधित कर दिए गए थे। प्रांतीय परिषदों के अतिरिक्त सदस्यों का निर्वाचन नगर पालिकाएं, जिला बोर्ड आदि करते थे, जबकि केंद्रीय परिषद के निर्वाचन गैर सरकारी सदस्य प्रांतीय परिषदों के गैर सरकारी सदस्यों की सिफारिश पर रखे जाते थे। निर्वाचन का ये अधिकार एकदम सीमित था। विधान परिषदों की वास्तविक स्थिति परामर्शदात्री परिषदों जैसी थी। उनमें आधुनिक प्रतिनिधि संस्थाओं की कोई विशेषता नहीं थी। गंभीर दोषों के बावजूद 1892 का अधिनियम भारत में संवैधानिक प्रगति का सूचक था, क्योंकि इसके द्वारा भारतीयों को कुछ न कुछ रियायतें अवश्य मिली थी। 1892 के एक्ट द्वारा निर्मित विधान परिषदें राष्ट्रवादी युग के आरंभ में भारतीयों के लिए अपनी मांगे पेश करने और सरकार के कुकृत्यों की आलोचना करने का एक मंच बन गई थी। इसके बाद के कुछ ही वर्षों में नेशनल कांग्रेस ने निश्चित रूप से ब्रिटिश विरोधी रवैया अपनाया। कर्जन के तानाशाही शासन ने राष्ट्रवाद के विकास को और गति प्रदान कर दी थी। बंगाल का विभाजन राष्ट्रवादी संघर्ष के पहले दौर की शुरुआत करा दी थी, और जब यह आंदोलन जोर पकड़ रहा था तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1909 का एक्ट पास करके संवैधानिक विकास की दिशा में अगला बड़ा कदम उठाया था।